फिर कैमरा का कैसे करना, फाइनल कर लें? आपका कैमरा मुझे पसंद है, आप बताइए, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। पर सर आप ये नहीं चाहते कि आप पहले एक बार मिलके कैमरा देख ले, यू नो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि आर्मी वालों से तो वैसे ही कहाँ मिलने का मौका मिलता है। रोहित जी वो बात आपकी ठीक है, बट अभी मेरी पोस्टिंग आउट स्टेशन है तो मिलना अभी हो नहीं पाएगा, बट आपका कैमरा मुझे पसंद है तो मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी चीज हाथ से निकलना चाहे, तो इसलिए आपको एडवांस दे देता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप एक बात बताइए, आप पेमेंट कैसे करेंगे? मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक QR कोड मैसेज करता हूँ, तो आप उसको स्कैन कीजिएगा, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। QR कोड? बस QR कोड क्यों भेज रहे हैं? ये स्कैन करूँ और मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दोगे तो? अरे रोहित जी आर्मी ऑफिसर हूँ, ऐसा काम थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चकी हेल्प टिप्स। कई बार हम एक नाम सुनते हैं स्कैम स्कैम स्कैम, और हमारे साथ भी बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट के नाम पे फ्रॉड हो रहा था और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप आई बटन पे जाके मेरे ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट के नाम पे स्कैम हो रहा है, और वहां पे क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि आपने बम्पर प्राइस जीता है, जैसे कि ब्लोरो गाड़ी जीती है, या फिर आपने बहुत सारे पैसे जीते हैं, और एक फिक्स्ड अमाउंट है, जब तक ये आप जमा नहीं करेंगे तब तक आप यहां से कस्टम से या फिर आप बैंक से या फिर किसी शोरूम से जाके वो गाड़ी छुड़ा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी देखने में आया है एक नया स्कैम, OLX का स्कैम। जैसा कि हम सब जानते हैं OLX एक वेबसाइट है जहां पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं जो आप यूज कर रहे थे, जैसे कि मोबाइल फोन या फिर हार्ड डिस्क या फिर रैम या फिर गाड़ी, कोई भी चीज अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप OLX पे जाके बेच सकते हैं। वहां पे क्या होता है, जब अपने प्रोडक्ट को आप डालते हैं तो वहां पे आपके पास कस्टमर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट डाला है मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूं या फिर मुझे खरीदना है, तो आप बताइए कहां पे मिलेंगे, उसके बाद वहां पे डील होती है। लेकिन स्कैम अभी क्या हो रहा है, स्कैम ये हो रहा है कि आपको कहा यह जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट डाला हुआ है वो प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा लगा है और इस प्रोडक्ट को हम लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी हूं आउट ऑफ स्टेशन, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं मिलने के लिए या प्रोडक्ट देखने के लिए, और एक काम मैं ये करता हूं कि आपको भेजता हूं एक QR कोड। आपको जस्ट सिंपल कुछ नहीं करना है, उस QR कोड के स्कैन करना है और आपके पास पैसे आ जाएंगे एडवांस के तौर पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं और ये प्रोडक्ट या फिर ये चीज जो आपने OLX पे डाली है वो मैं ही लूंगा। और आपको सिंपल सा लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक QR कोड है और इसको स्कैन ही करना। जब आप स्कैन करते हैं तो आप देखते हैं आपके पास एक अमाउंट भी आ जाता है, छोटा सा अमाउंट, जैसे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, ये आ जाता है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद आपकी नजर जब पड़ती है आपके स्टेटमेंट पे या फिर आपके मैसेज पे, पता ये लगता है आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे हो गए हैं चट, मतलब गायब। तो ये एक नए तरीके का स्कैम है जहां पे ना तो OTP पूछता है, ना तो पासवर्ड पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता है। जस्ट सिंपल आप वो QR कोड स्कैन करते हैं, उसके बाद पैसे हो जाते हैं आपके अकाउंट से गायब। ऐसा हो चुका है और हो रहा है, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। लास्ट में मैं अपनी बात खत्म करने के बाद एक वीडियो इसमें अपलोड करूंगा, जो आप देखिएगा कि वहां पे किस तरीके से स्कैमर स्कैम खुला तौर पे कर रहा है और कह रहा है कि जी हाँ मैं स्कैम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मंथली मैं 2 से 3 लाख रुपया कमाता हूँ और अभी ये जो अमाउंट है वो कम हो गया है लॉकडाउन की वजह से, नहीं इससे पहले और कमाता था, और आज आप नहीं फंस रहे हैं तो कोई और फंसेगा, लेकिन फंसेगा जरूर और कमाऊंगा जरूर। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और इस तरीके से कभी भी QR कोड या किसी भी चीज को स्कैन ना करें, क्योंकि ये लेटेस्ट टाइप का स्कैम है। अगर आपको कोई कहता है स्कैन करने के लिए, क्योंकि जनरली ये होता है जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं या फिर किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहां पे क्या होता है, हम पेटीएम स्कैन करते हैं या फिर फोन पे करते हैं या फिर हम गूगल पे करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें और इस होशियार रहें कि कभी ऑनलाइन कोई चीज आप कर रहे हैं या फिर कोई चीज बेच रहे हैं या फिर कोई चीज खरीद रहे हैं और वहां पे कोई फोन पे आपसे कहता है कि आपको मैं ये QR कोड भेज रहा हूं, जस्ट आप स्कैन कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पैसा आपके पास आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कैम है और इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और हैकिंग या फिर स्कैम की बात की जाए तो तब तक नहीं हो सकता कि जब तक कि आप कोई इनपुट ना दें। अगर आप इनपुट नहीं देंगे, जैसा कि कोई लिंक आपके पास आता है आप उस पर क्लिक ना करें, कोई आपसे कहता है कि QR कोई कहता है कि QR कोड को स्कैन करिए, आप उसको स्कैन ना करें, कोई भी चीज जब तक आप हिट नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, तब तक स्कैम नहीं होगा या फिर आप फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ या आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के नए स्कैम से OLX स्कैम से बचें और दूसरों के भी बचाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे उन लोगों को बताएं जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, नहीं जानते हैं, अपने दोस्तों को बताएं, ग्रुप में भेजें ताकि वो लोग भी अवेयर हो सकें। सतर्क रहें, सावधान रहें,
ताकि आपके अकाउंट से पैसे न गायब हो पाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और अब वो वीडियो आप देख लीजिए जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। कैमरा तो ठीक लग रहा है। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट आप होल्ड करेंगे प्लीज? ठीक है ओके, एक मिनट होल्ड करिए सर। ये बंदा ना, बेसिकली मैंने ओएलएक्स पे कैमरा डाला था बेचने के लिए, तो ये बंदा कैमरा मेरा खरीदना आया था और इसने बोला है कि ये आर्मी ऑफिसर है और उसने मुझे अपनी एक आईडी भी भेजी है, बट आई स्टिल हैव अ डाउट कि ये एक स्कैमर है बिकॉज इसने ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं किया और बिना देखे कैमरा मेरा खरीदना चाहता है। सो डाउट है बट मैं देखने आता हूँ कि ये मेरे साथ स्कैम कैसे करेगा। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट्स सी। ओके लेट्स सी। हाँ जी सर, तो फिर कैमरा का कैसे करना है, फाइनल कर लें? आपका कैमरा मुझे पसंद है, आप बताइए मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। बस सर आप ये नहीं चाहते कि आप पहले एक बार मिलके कैमरा देख ले, यू नो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी क्योंकि आर्मी वालों से तो वैसे ही कहाँ मिलने का मौका मिलता है। रुचि वो बात आपकी ठीक है बट अभी मेरी पोस्टिंग आउट स्टेशन है तो मिलना अभी हो नहीं पाएगा, बट आपका कैमरा मुझे पसंद है तो मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी चीज हाथ से निकलना चाहे, तो इसलिए आपको एडवांस दे देता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप एक बात बताइए आप पेमेंट कैसे करेंगे? मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक QR कोड मैसेज करता हूँ तो आप उसको स्कैन कीजिएगा, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। QR कोड? बस QR कोड के भेज रहे हैं? ये स्कैन करूँ और मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दोगे तो? अरे रोहित जी आर्मी ऑफिसर हूँ, ऐसा काम थोड़ा ना करूंगा। अच्छा तो एक काम करिए ना, ये QR कोड छोड़ दीजिए, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए आप। अरे बैंक अकाउंट वाला काम बहुत लंबा है, पहले आपका बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको उसके एक्टिवेशन में वेट करना पड़ेगा। मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, स्कैन कीजिए, आपके पेमेंट आपके सीधे अकाउंट का। और अगर कुछ स्कैम कर रहा हूँ तो पिन और OTP तो मांगता मैं आपसे, मैं तो आपको QR कोड स्कैन करने को बोल रहा हूँ। देखो दोस्त सुनो, ये ना नया स्कैम है ना जो मुझे पता है, मेरे दोस्त के साथ हो चुका है, पता नहीं तुमने किया किसी ने मुझे नहीं पता, बट ये हो चुका है। तो मुझे पता है मैं जैसे ही QR कोड स्कैन करूंगा मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दोगे तुम। अब वो कर कैसे रहे हो वो तो मुझे पता नहीं बट हो रहा है ये। और यार थोड़ी शर्म तो करो यार, ये बेसिकली मतलब आर्मी ऑफिसर के नाम पे तुम ये सब स्कैम्स कर रहे हो यार, हद ही हो गई है यार। सीरियसली मतलब क्यों कर रहे हो ये सब यार? तुम्हें पता है किसकी क्या हालत है घर में, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, वो पूरा महीना कैसे चला रहे, उसकी क्या सिचुएशन है यार? स्कैम करके ना तुम लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो यार। भाई अब बोलो ना क्यों कर क्यों रहे हो ये सब, पकड़े तो तुम गए हो यार, बोल दो। अरे भाई देख अपना तो है ये काम, तू ही बसा किसी और को बसा लेंगे, बट काम तो चलते ही रहेगा। भाई यार ये काम तो तुम चलाते रहोगे, मैं क्या बोलूं, बट ये कितना सब कमा ले तो, ये कमा कितना लेते हो धान ले करके? भाई पहले तो बढ़िया काम था बट अब लोग ज्यादा समझदार हो गए हैं, फिर ये कोरोना भी हो गया तो अभी भी 5-6 लाख महीने का कमाई लेते हैं। 5-6 लाख और ये तुम्हें कम लग रहा है? वह भाई ये छोड़ दो यार ये सब फ्रॉड के धंधे, क्यों लोगों की मेहनत की कमाई खा रहे हो यार, क्यों लोगों की बददुआएं ले रहे हो? सुन भाई तेरा ज्ञान ना बटे तो तू देर से मुझसे बात कर रहा है ना, तेरा फोन स्कैन करके भी तेरा एक अकाउंट खाली कर दूंगा। क्या तू मेरा फोन हैक कर लेगा? हाँ दोस्त सुन, जिस फोन से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना ठीक है, उसमें ना मेरा कैप मेरा कोई बैंक का वो है अकाउंट लिंक्ड है, ना ही कोई ऐप है, ना मैं इसमें इंटरनेट यूज करता हूँ, मेरा पूरा फोन खाली है यार। इतना समझदार तो भाई मैं भी हूँ, तो तू फोन हैक भी कर लेगा तेरे कुछ मिलेगा नहीं है, तो तू छोड़ दे। बट दूसरी बात ये सुन ले कि ये सब मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया और ये मैं डाल दूंगा सोशल मीडिया पे, ठीक है? ये सोशल मीडिया पे डाल के ना मैं तेरे जैसे स्कैमर्स की ना पोले खोलूंगा अब लोगों के सामने, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं पाएगी, एटलीस्ट लोग तो समझदार हों, लोग तो जागरूक होंगे ऐसे स्कैम से। भाई तूने जहां डालना है वहां डाल दे, तू नहीं फंसा तो की कमी नहीं है हमारे देश में, किसी और को पकड़ लेंगे किसी ना किसी तरीके से, इससे नहीं तो किसी और तरीके से काम करेंगे, पर अपना काम तो ये चलता रहेगा भाई। ठीक है भाई अब तेरे को जो ठीक लगे, इससे ज्यादा मैं क्या बात करूं तुझसे। ये स्कैमर लोग नहीं सुधरेंगे, तो बेसिकली एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ हुआ है,
उसने क्या करा था कि उसने अपना फोन डाला था ओएलएक्स पे बेचने के लिए, और एक बायर आया जिसने बोला वो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिसर है और वो फोन खरीदना चाहता है, और ज्यादा नेगोशिएट करे बिना तो वो रेडी हो गया बिना देखे भी फोन की मैं पोस्टेड हूँ कहीं पे, और अपनी आईडी वाईडी भी भेज दी, तो बोला कि मैं फोन खरीदना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त को लगा ठीक है नॉर्मल सी बात है, एडवांस एडवांस दे रहा, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने मेरे दोस्त को एक क्यूआर कोड भेजा। मेरे दोस्त को इतना तो पता था कि अगर क्यूआर कोड स्कैन करूंगा उसके बाद कोई पिन विन डालना पड़ता है कि अगर प्रोसीड टू पे वाला जो सीन होता है कि अपने अकाउंट से पैसे ना जाए। तो उसने मेरे दोस्त ने क्यूआर कोड स्कैन करा, उसको उसमें 10 रुपए रिसीव हो गए जो उस स्कैमर ने भेजे थे कि मैं आपको एक बार ट्रायल के लिए 10 रुपए भेज रहा हूँ कि आप देख लीजिए आपके अकाउंट में पैसे आ रहे नहीं आ रहे। तो मेरे दोस्त ने जैसे क्यूआर कोड स्कैन करा उसके अकाउंट में 10 रुपए रिसीव हो गए। तो मेरे दोस्त को लगा ठीक है यार कोई स्कैम वैम का सीन नहीं, पैसे तो आ ही रहे हैं और कोई पिन विन तो डालना नहीं है। तो जैसे ही उसने स्कैमर ने दूसरा क्यूआर कोड भेजा मेरे दोस्त को, उसका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया, मेरे दोस्त के अकाउंट से सारे पैसे चले गए।